हे हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि बैटरी और इन्वर्टर का कंप्लेन कैसे करें होम सर्विस के लिए और रजिस्टर्ड कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने होम स्क्रीन पर ले जाके मोबाइल के कि उसको कंप्लेन कैसे करें। आज हमने ग्राहक का कंप्लेन रजिस्टर्ड किया है तो उसको रिकॉर्ड करके रखा है। कंप्लेन कैसे किया जाता है तो फिर वीडियो को फुल लास्ट तक देखें और बने रहे अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लेन कैसे करना है ताकि आपको होम सर्विस बैटरी और इन्वर्टर का मिल सके। वीडियो तक लास्ट बने रहे, वीडियो को लाइक करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें जिनको भी जानकारी चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करके जाए। ले चलते हैं आपको होम स्क्रीन पर और बताते हैं वीडियो के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये आ रहा था कि कंप्लेन कैसे करें एक साइड के, एक साइड बैटरी और इन्वर्टर का कंप्लेन कैसे करें, जो किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों, आप पूरा फुल वीडियो देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंप्लेन कैसे करना है। ठीक, एक साइड आपको इस पे करना है, एक साइड केयर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है जो कि बैटरी पर भी मेंशन होता है। बुक ऑन इमरजेंसी सर्विस, फाइंड ए नियर वी एक साइड डीलर, फाइंड द राइट एक्साइड बैटरी, रजिस्टर्ड अ न्यू बैटरी एंड मोर। इस पे आप न्यू बैटरी का आप खुद से रजिस्टर्ड भी कर सकते हो और कंप्लेन जो करना है आप कंप्लेन भी कर सकते हो। आप कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये नंबर आप सेव कर लो, ये जो नंबर दिख रहा है आप सेव कर लो, 7044, उसके बाद 6x0। इस नंबर को सेव करना है एक्साइड गियर के नाम से। अब इस मैसेज करना है हाय, मैसेज करोगे उधर से झट से रिप्लाई आएगा या थोड़ा बहुत थोड़ा डिले हो सकता है। आप देख रहे हो झट से आ गया, वेलकम टू एक्साइड, क्या हाउ यू कैन वी हेल्प यू, एक्साइड बैट मोबाइल डोर स्टेप सर्विस फॉर कार बैटरी। ये आपको कार बैटरी के लिए अगर करना है तो एक दबाइए, वन टाइप वन। अगर करना है बोट मोबाइल डोर स्टेप सर्विस इन्वर्टर एंड होम यूपीएस, जैसे इन्वर्टर बैटरी का करना है या होम यूपीएस इन्वर्टर का करना है, तो आपको दो दबाना है। ठीक है, टाइप टू, रजिस्टर जो न्यू बैटरी और होम यूपीएस। आपको अगर बैटरी ले रहे हैं कोई, अगर आपको ये रजिस्टर अगला नहीं कर रहा है तो आप खुद से भी रजिस्टर पेपरलेस वारंटी का रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें आपको टाइप थ्री करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड रजिस्टर्ड बैटरी डिटेल्स एंड होम यूपीएस डिटेल्स। जैसे कि आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, कि होम यूपीएस का डिटेल दे हमारा बैटरी कब का रजिस्टर्ड हुआ, तो फोर टाइप करना है। फाइन प्रोडक्ट डिटेल्स और फिटमेंट, ये आपको इस सब का जाके छोड़ दिया है। फाइन नियर डीलर, तो आपको क्या करना है इन्वर्टर बैटरी का करना है। मैं इन्वर्टर बैटरी का एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टू, मैंने टाइप किया टू, आ गया यहाँ पे आपको लिंक, लिंक को करना है ओपन। लिंक ओपन करते ही यहाँ पे आ गया आपको स्टेप कैसे करना है। ठीक है, तो आपका बिल पर जो मोबाइल नाम होगा वो नाम डालना है, जैसे मैं आपको दे देता हूँ अमित। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर देने के लिए, जिस पे कॉल करे तो जो सर्विस इंजीनियर आएगा आपको कॉल करेगा तो उसका नंबर, अपना नंबर उस पे दे। जैसे कि मैं डाल देता कोई भी, सपोज डेट मैंने किसी का भी नंबर डाल दिया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है तो इस पर आप कॉल करके ट्राई ना करें। कैटेगरी है, आप इन्वर्टर बैटरी का करना चाहते हैं या होम यूपीएस का, तो आपको इन्वर्टर बैटरी का करना है। ठीक है, मान लो आपको होम यूपीएस इन्वर्टर बैटरी का करना है तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी हो गया। वारंटी स्टेटस, आपका आउट ऑफ वारंटी है या वारंटी, अगर वारंटी में है तो इन वारंटी, अगर वारंटी खत्म है तो आउट ऑफ वारंटी में डालना है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सबमिट करोगे वन टाइम पासवर्ड है, यहाँ पे आएगा वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे मैं डालूंगा। आजा भाई ओटीपी, आजा भाई। ओटीपी आने में थोड़ा लेट लग रहा है, रिसेंट आ गया। अब यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, वेरीफाई ओटीपी कर देना,
अब यहाँ पे लोकेशन दे रहा है ठीक है ना, आपका लोकेशन कहाँ पे है, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ मानहार बाजार, यहाँ पे लोकेशन आ गया। अब मनार बाजार में कहाँ आपका लोकेशन मूव करना हो इधर उधर आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मनार बाजार, यहाँ पे आ गया कंफर्म लोकेशन कर दें। लैंडमार्क आप ऑप्शनल डाल सकते हैं कि आपका लैंडमार्क कहाँ पे है, ऑप्शनल है इसको आप डाल सकते हैं, बेटर रहेगा। लैंडमार्क आप डालोगे ये कंफर्म हो जाएगा, इसका आप कंफर्म लोकेशन कर दोगे आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। कल होके आपके पास कॉल आ जाएगा सर्विस इंजीनियर का कि आप कहाँ पे आना है आपको बता दीजिए, मतलब करंट लोकेशन जाने के लिए, कि ये आपने मैप पर डाला वहां पहुंच के फोन कर देगा कि हाँ आप यहाँ से कहाँ पे आना है, आपके पास चला जाएगा, कंफर्म कर देंगे, आपका वारंटी कंप्लेन हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है वारंटी कंप्लेन करने का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।